हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड। आज के इस एपिसोड में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मदर्स एंड सुमी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग कंपनी के थोड़ा बहुत बिजनेस देख लेंगे, बिजनेस के नंबर्स देख लेंगे, फिर आते हैं कंपनी के चार्ट्स पर और देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या अभी फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है और कैसे कैसे हम लोग को यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे अगर देखोगे तो नाम से वायरिंग है, बट एज सच यहाँ पे अगर देखा जाए तो घर की वायरिंग वगैरह होती है या जो कॉपर वायर होते हैं, पीवीसी वायर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करती। यहाँ पे कंपनी अगर देखा जाए तो एक तरह से वायरिंग हार्नेस इंडस्ट्रीज के अंदर है, जो कि एक तरह से अगर देखा जाए तो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने का भी काम करते हैं, और इनका इस्तेमाल होता है मेनली अगर देखा जाए तो ऑटोमोटिव्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी एक तरह से कह सकते हो कि ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेटेड है। ऑटो एंसेसरी तो पता नहीं कहना ठीक है कि नहीं है, बट एक तरह से अगर देखा जाए तो ऑटो पार्ट्स बना रही है, ऑटो के कंपोनेंट्स बता रही है, तो एक तरह से एंसेसरी कंपनी भी बोला जा सकता है। मतलब अगर ऑटो की सेल्स बढ़ती है, ऑटोमोटिव की सेल्स बढ़ती है, तो यहाँ पे कंपनी उससे बेनिफिट करेगी और कंपनी के नंबर्स भी यहाँ पे बढ़ते नजर आएगी। तो मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह से ऑटोमोटिव वैल्यू चेन के अंदर ही यहाँ पे ये कंपनी आपको नजर आएगी। अब यहाँ पे रिसेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी का जो टॉप 10 की एक तरह से कह सकते हो मार्केट में जितने भी की प्लेयर्स हैं टॉप 10, वो यहाँ पे कंपनी के एक तरह से कह सकते हो क्लाइंट्स हैं, और टॉप 3 के अंदर भी अगर 2 प्लेयर्स देखोगे तो इनके यहाँ पे क्लाइंट्स हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो यूजुअली जो मतलब हाई सेलिंग, हाई वॉल्यूम सेलिंग कार्स हैं, वो यहाँ पे इंडिया के अंदर इनके यहाँ पे फिलहाल आज के डेट पे क्लाइंट्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेजर रेवेन्यू भी कंपनी का उसी से आता है। आज के डेट पे एक भी कंपनी इनके हाथ से हटी तो यहाँ पे सेल्स काफी तेजी से गिर सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि कंपनी के अंदर सेल्स और जो अर्निंग्स वॉलेटिलिटी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ सकती है अचानक से किसी भी वक्त। एक तरह से ये कंपनी अगर देखोगे तो एक जापानीज कंपनी है सुमितोमो करके, तो वहाँ पे उसके साथ इनका जॉइंट वेंचर है और जापानीज टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेटर होती है, तो कंपैरेटिवली वो भी आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा एज प्रोवाइड करता है, इसलिए इनका मार्केट शेयर भी कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि ईवी मार्केट में जो कंपनी का बिजनेस है वो थोड़ा सा धीमे जा सकता है, बट ईवी मार्केट की सेल्स ऐसे कुछ कम हुई नहीं, क्योंकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पीछे रह चुका था। तो कंपनी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था पिछले क्वार्टर में ही अगर देखोगे रिजल्ट्स के अंदर कि हो सकता है सेल्स कम हो, बट ऐसा कुछ हम लोग को यहाँ पे नजर आया नहीं। इनफैक्ट अगर देखा तो रिजल्ट काफी अच्छा ही यहाँ पे देखने के लिए क्वार्टरली हम लोग को मिला है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देखा जाए तो इंटैक्ट यहाँ पे हम लोग को नजर आया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए ये चीज़ हम कहेंगे कि अच्छी न्यूज़ है। अब यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के एंड पे अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन एंड पे कंपनी हमको ठीक नजर आ रही है। यहाँ पे स्टॉक की पी 52 है, प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखा जाए 37 के आसपास है अभी फिलहाल, और क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑटोमोटिव सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिमांड यहाँ पे अच्छा है, तो हमें लगता है कि प्रॉफिट ग्रोथ और यहाँ पे फिलहाल अभी बढ़ सकता है। अब 3 साल की ग्रोथ अभी यहाँ पे नहीं थी क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ इसको यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे अगर नजर डालोगे तो ट्रेडिंग 12 मंथ में भी 16% के आसपास की कंपनी की सेल्स ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी की मार्जिन थोड़ी बहुत इधर बढ़ी है, अब यहाँ पे 13-14% के आसपास जाती है, तो और भी तेजी से यहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिट बढ़ सकती है। यहाँ पे फिलहाल अभी पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए, पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 12% के आसपास ही है, आसपास का ही रिजल्ट था। अभी देखते हैं कि कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट अगला नेक्स्ट मतलब अगर देखा जाए तो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट जल्दी ही मिल सकता है। लेकिन अगर तब तक अगर देखा जाए तो कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे आए हैं। मतलब 2023 मार्च को 2022 मार्च दिसंबर से अगर कंपेयर करोगे ये दोनों नंबर्स फिगर्स, तो यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आए हैं। सितंबर 2023 को सितंबर 2022 से कंपेयर करोगे तो फिर से अच्छे रिजल्ट आए हैं, और ऐसे ही आपको जून के रिजल्ट्स भी और ऐसे ही आपके मार्च के रिजल्ट भी नजर आएंगे। तो मतलब कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो करते हम लोग को नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आज के रेट पे 61% की ही है, जो कि यहाँ पे मार्च 2022 के आसपास थी। तो मतलब एक साल में यहाँ पे कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कुछ सेलिंग वगैरह हम लोग को देखने के लिए नहीं मिली। FIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, बट डेफिनेटली वो जो FIs ने कम किया वो DIs ने बात यहाँ पे बाय किया है, तो एक तरह से कह सकते हो कि हैंड एक्सचेंज है यहाँ, मार्केट के अंदर यहाँ पे गई नहीं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग अगर देखी जाए तो 9.93 पे है, बेसिकली सेम ही है, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। अल्टीमेटली कंपनी के फंडामेंटल्स हम जब पूछोगे तो फिलहाल अभी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और प्रॉस्पेक्ट्स कंपनी के अच्छे हैं यहाँ पे। मतलब मार्केट लीडर्स वगैरह भी यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो कंपनी है यहाँ पे, क्योंकि मेनली अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मार्केट फोर्स को यही कैटर करना है। एक प्रॉब्लम बस यहाँ पे कंपनी की ये है कि रिलायबिलिटी इनके टॉप क्लाइंट्स पे बहुत ज़्यादा है। अब वो देखा जाए तो कंपनी के लिए थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है प्राइजेस के अंदर। अगर मान लो आज को एक भी यहाँ पे इनका क्लाइंट चला गया तो सेल्स के नंबर अचानक से ठप से नीचे गिर सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पे अर्निंग्स नीचे गिरेंगी और फिर यहाँ पे प्राइस भी अल्टीमेटली नीचे गिरने लगेगा, तो वो एक इशू क्रिएट कर सकता है।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर अगर देखोगे तो नंबर्स अच्छे नजर आएंगे आपको। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी 80% वॉल्यूम पे भी काम कर रही है, मतलब अपनी 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये लोग कर रहे हैं। तो अभी के फिलहाल केपेक्स वगैरह का भी इनका अच्छा खासा प्लान है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए 80% कंपनी अगर यहाँ पे काम कर रही है तो फर्दर अगर जो ग्रोथ है सेल्स के अंदर वो नहीं आ पाएगी। अगर यहाँ पे टोटली अगर देखा जाए मतलब इतनी वॉल्यूम में क्रिएट कर सकते हैं अपना ये मतलब काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी को और ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपैंड करना चाहिए। ऑल दी ये चीज़ कंपनी को पहले करनी चाहिए थी थोड़ा सा, लेकिन अगर अभी भी कर रही है तो ठीक ही ठाक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम आपको देखना है तो 73.15 के ऊपर आ सकता है। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा और वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है आने वाले समय में। अब यूजली देखा जाए तो थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट आसपास आ चुका है, क्वार्टरली रिजल्ट के आसपास अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो उसको वहाँ से बुलिश सिग्नल मानेंगे, मतलब कि रिजल्ट अच्छे आने वाले होंगे तभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी, चेष्टा करेगी कंपनी। अदरवाइज यहाँ पे साइडवेज मार्केट में अभी कुछ और समय तक के लिए फंस जाती है। तो ये काफी अच्छा सिग्नल होने वाला है आपके लिए। रिजल्ट यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा है फिलहाल कि यहाँ पे वेंसडे 29 मई, नहीं हाँ 29 मई को यहाँ पे रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा टाइम है उसको अभी अगर देखा जाए तो, बट नंदरस अगर उससे पहले रिजल्ट आ जाता है तो हम लोगों को यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव साइन की तरह लेना है इसको। अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो उस केस में आप हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड पे नजर आ सकता है। टारगेट्स की बात की जाए तो टारगेट्स नहीं बता सकते क्योंकि ब्लू स्काई जोन पे। अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो स्विंग ट्रेड बेसिस के लिए आप लोग 20-25% तक का टारगेट एम कर सकते हो। लॉन्गर रन के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी हमें स्टेबलाइज नजर आ रही है, मतलब एक तरह से अगर देखा नंबर अच्छे हैं। बस प्रॉब्लम यहाँ पे हमारी दो है, मतलब दो निकल के आ चुकी है, पहले एक थी अब दो है। अब यहाँ पे अगर देखा तो पहली दिक्कत हमारी ये है कि कंपनी की टॉप क्लाइंट, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कंपनी फुल यहाँ पे कैपेसिटी पे काम कर रही है, मतलब 80% पे काम कर रही है। तो फर्दर और ज्यादा हो सकता है सेल्स ग्रोथ ना मिल पाए अनटिल अनलेस कंपनी यहाँ पे अपना नया जो एक तरह से यहाँ पे कह सकते हो कि फैसिलिटी है उसको ओपन कर ले जल्दी से जल्दी। तो वो चीज़ हम लोग को कंपनी के अंदर फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अलावा लॉन्गर रन में हमसे पूछोगे 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, मतलब 6 साल 8 साल के लिए ऐसा मत कभी मतलब होना नहीं चाहिए कि ऐसा आंख बंद करके आप लोग खरीद के बैठ जाओ 8% कंपनी कुछ नहीं होने वाला। बीच में कुछ ना कुछ हो जाएगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए कंपनी को चेकअप करते रहो। बट लॉन्गर रन में अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि कंपनी हेल्दी रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। ऑल्दो किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है गिवन कि यहाँ पे अभी डिमांड अच्छी लग रही है ऑटोमोबाइल्स की, इसलिए यहाँ पे हम लोग बस अभी के लिए ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसी के साथ चलेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना। ओके बाय।